जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु, जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री समय साराय स्वान भूत्या सकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे स्थित। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव विचिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। बात क्या है? क्या मैं कब से हूं? अनादि से हूं। पुद्गल द्रव्य कब से है? अनादि से। दोनों क्या है? दोनों स्वयं सिद्ध, क्योंकि द्रव्य है वो, उसकी सिद्धि के लिए किसी की जरूरत नहीं, स्वयं सिद्ध है वो, ठीक है? तो अनादि से ओके। और मुझको कर्म का बंध कब से है? तो वो भी अनादि से है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कर्म कहते किसको है? तो कर्म कहते हैं पुद्गल द्रव्य की विशेष अवस्था को कर्म कहते हैं। तो पुद्गल द्रव्य की विशेष अवस्था जिसका मेरे साथ एक क्षेत्र बंध एक क्षेत्र ठहरना हुआ है, वह विशेष अवस्था जो पुद्गल द्रव्य की है, क्या वो अनादि की है? हाँ, वो जो विशेष अवस्था है वो अनादि की नहीं है। तो फिर विशेष अवस्था अनादि की नहीं है तो फिर आप कर्म का बंध अनादि से क्यों कहते हो? नहीं नहीं, तो वो अनादि से उसका बंधन तो नहीं होता। अनादि का शब्द इसलिए लगाया है कि यह जीव जब से संसार में है, ठीक है, यह जीव जब से संसार में है प्लस उसके साथ कर्म का बंध है, वो अनादि से चल रहा है। लेकिन जो कर्म आज से 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले यहां बंधा था, आज अभी नहीं है, लेकिन कर्म का बंध तो है उसको, यानी कोई दूसरा कर्म है, लेकिन इस बंध की अपेक्षा से इसको कहते हैं जीव का कर्म का बंध अनादि से। क्योंकि आप कर्णानियों के गहराई से जाके बात करेंगे तो अपने जो कर्म की प्रकृतियां हैं, कितनी प्रकृतियां हैं कर्म की? मूल तो है 8 प्रकृतियां, और उसके जो भेद करेंगे तो कितनी प्रकृतियां हो गई? 148। उनमें से सबसे ज्यादा स्थिति यदि किसी की है तो दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृति की है, और वो स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। मतलब कोई कर्म इस जीव के साथ यदि अधिक से अधिक समय तक रह सकता है तो वो कितने समय तक रह सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर तो अनादि तो नहीं हुआ,
अनादि तो नहीं हुआ, इसका मतलब है तो फिर कर्म का बंध अनादि से क्यों कहते हैं? तो कर्म का बंध अनादि से इसलिए कहते हैं कि जब से यह जीव संसार में है और वह जीव संसारी यदि है तो नियम से उसको कर्म के बंध से युक्त अवस्था ही रही है। एक समय को वह जीव कर्म से पूरी तरह से छूटा नहीं है और एक बार यदि छूट जाए तो उसे वापस फिर कर्म बंधता नहीं। कुछ बात पकड़ में आई आपको? समझ में आई कि नहीं आई? क्या बाबू जी, एक पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी, ठीक है, इसमें आपने ऊपर से नल चालू कर रखा है, ठीक है उसका, और नीचे से भी नल चालू कर रखा है, ठीक है, इसका ये लेवल मेंटेन है 20 वर्ष से, ठीक है, ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे से पानी निकल रहा है, लेवल इसका ये का ये मेंटेन है। आप क्या कहोगे इसको कि टंकी 20 वर्ष से भरी हुई है इस लेवल तक, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि इसके अंदर जो पानी रखा हुआ है वो 20 साल से भरा हुआ है। अरे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछना भाई, कर्म का हाँ बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? क्या अपन बोलते हैं ना कि जीव कब से है, तो जीव अनादि से है, तो कर्म का बंध कब से है इसको? अनादि से है। तो अनादि से मतलब कि जो अभी वर्तमान में हमारा कर्म बंधा हुआ अभी हमारे साथ है वो अनादि से चल रहा है, ऐसा नहीं है। कर्म में तो चेंजेस हो रहे हैं लेकिन इस टंकी से पानी खाली कभी नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि 20 बरस से है। आई बात समझ में? पकड़ में आ गई आपको बात? नहीं पकड़ में आई? हाँ है ये कर, है ये ना कर भाई, मतलब मैं बात नहीं समझे आप। इस जीव की संसार अवस्था में कभी भी ये कर्म से रहित नहीं हुआ है, ये बात को बतलाने के लिए यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इसको कर्म का बंध अनादि से है। लेकिन वर्तमान यदि अभी अपने कर्मों का एनालिसिस करेंगे तो उसमें यदि कोई कर्म ज्यादा से ज्यादा पुराना हो सकता है तो उसकी कितनी हो सकती स्थिति? 70 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता यदि हमारी सत्ता में पड़ा हुआ। तो उससे पहले भी मैं था कि नहीं कि मैं था, और उस समय भी कर्म का बंध था कि नहीं कि था, लेकिन वो कर्म और ये कर्म अभी नहीं है, वो कर्म नहीं रहते हैं। हाँ मतलब वो, क्योंकि ये उज्जवल द्रव्य की विशेष अवस्था का नाम नहीं। बात पकड़ में आई? अभी बात पकड़ में आई नहीं आई? गोकन है नहीं, क्योंकि यहां ऐसा नहीं समझ लो आप कि जब जैसा मैं हूं अनादि से वैसा ही कर्म मेरे पास वैसा का वैसा अनादि से है, ऐसा नहीं समझ लो आप। नहीं समझ रहे तो बढ़िया बात है, कोई ऐसा नहीं समझ ले, क्योंकि बोलता है ना जीव अनादि से है, पुद्गल द्रव्य अनादि से है, और मेरे को कर्म का बंध भी अनादि से है, तो कौन सा कर्म का बंध? इसमें एक बात छुपी हुई है बाबू। क्या छुपी हुई है? इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है कि कर्म का बंध भले ही हम अनादि से कहें लेकिन कर्म उदय में आकर खिरता है और जीव के भावों से भी खिरता है और जीव से अलग भी होता है। इसका मतलब है कि कर्म जीव से अलग हो सकता है। आई बात समझ में? इससे इसका जो रहस्य जो निकला है ना कि अरे तो अभी आप बोल दो मैं अनादि से कर्म का बंध अनादि से, तो फिर मैं कर्म से कैसे छूटू? अरे कर्म से, कर्म तो ज्यादा से ज्यादा तेरे साथ रह सकता है, कितना समय रह सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। वो तो अगर आप कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करो, मतलब अपने भावों में इस जाति का किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करो जिससे निर्जरा नहीं हो, तो भी कर्म अपना उदय काल पाकर वह फल देकर खिल जाता है। वो उसको बोलते हैं सभी पाक निर्जर। उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम आचार्य महाराज ने क्या दे रखा है? सभी पाक निर्जरा है। आई बात समझना आपको? खिर जाता है मतलब, खिर जाता है मतलब आत्मा से अब उसका कोई संबंध नहीं रहा। आई बात पकड़ में? हाँ है, कौन मुक्त हो जाता है? ना ना ना, वो
यही तो समझाना है मेरे, यही तो समझाना है बड़ी ये, वो बात जो बात समझानी है वो इसमें यही एंगल है। कोई ना कोई गड़बड़ी आपके अंदर में खड़ी है। आई बात समझ? अब कोई बोलता है हाँ आ गई, कोई बोलता है किस स्तर तक आई है वो आप पकड़ना बात को। बात क्या क्या नक्की हो गई अपनी, पहले तो ये नक्की करो आप क्या क्या बात नक्की हो गई कि मैं कब से हूँ? अनादि से हूँ। इस जगत में छह द्रव्य संख्या की अपेक्षा अनंता अनंत है। कब से है? अनादि से है। और छहों द्रव्य कैसे हैं? स्वयं सिद्ध हैं। उनको सिद्धि करने के लिए किसी के आधार की जरूरत नहीं। ओके, अब मैं कब से हूँ? अनादि से। और मुझको कर्म का बंध कब से है? अनादि से है ना, यही हुआ ना, अनादि से मेरे को कर्म का बंध। तो कर्म किसको कहते हैं? उद्गल द्रव्य की विशेष अवस्था का नाम कर्म है। तो वो जो कर्म है पुद्गल द्रव्य की विशेष अवस्था, उसको कहते हैं कर्म। और कर्म का बंधन किसको कहते हैं? कर्म का बंधन किसको कहते हैं? कि पुद्गल द्रव्य की विशेष अवस्था का जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह में ठहर जाना और जिनका निमित्त नैमित्तिक संबंध पड़ना, वो कहलाता है कर्म का बंधन। ओके, तो क्या पुद्गल द्रव्य की विशेष अवस्था जिसको हम कर्म कहते हैं वो अनादि से है क्या? वो क्या है? वो अनादि से? बोले वो अनादि से नहीं है। तो फिर इस जीव को कर्म का बंध अनादि से कहते हैं इसका मतलब क्या है? इस जीव को कर्म का बंध अनादि से कहते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह जीव जब से संसार में है तब से लेकर आज तक इसको एक समय भी बंध से मुक्त नहीं हुआ, कर्म के बंध से छूटा नहीं है। भले ही कर्म ने क्या, मैंने कहा कर्म ने उदय काल पाकर जो फल देकर वो खिर गया हो, लेकिन उसके भावों से नवा कर्म बंध गया, तो इसका छूटना और उसका बंधना ये जारी रहा, लेकिन एक भी समय को जीव कर्म के बंध से छूटा नहीं। आई बस इस अपेक्षा से आचार्य महाराज कहते हैं कि इस जीव को अनादि से कर्म का बंध है। बात पकड़ में आ गई? ऐसा मत समझ लेना कि जब जितना मैं पुराना हूं उतना ही पुराना कर्म मेरे पास सत्ता में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां संतति के रूप की बात है। आई बात समझ? हाँ, उसका चेंजेस, इसका मतलब है कि कर्म करणानियों का आधार रखना बराबर, कि अधिक से अधिक कोई कर्म की स्थिति रह सकती है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है ना मोहनी की, बाकी की सबकी तो कम है, 40 है, 30 है, 20 है ना, और आयु की है 33 है, वह अधिक से अधिक कितनी स्थिति होगी? 70 कोड़ा कोड़ी। और 70 कोड़ा कोड़ी सागर का हूं क्या मैं? मैं कब से हूं? मैं अनादि से हूं। तो फिर इस यहां क्यों कहा टोटल मलिक साहब ने कि जीव को कर्म का बंध अनादि से है? तो ये ध्यान रखना, जैसे ये पानी की टंकी ऊपर से नल चालू है और नीचे से भी नल चालू है और ये लेवल 20 साल से मेंटेन है इसका, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं कि 20 साल से टंकी यहां की ऐसी भरी हुई है, ठीक है। तो क्या अंदर पानी 20 साल का है? अंदर पानी 20 साल का है क्या? नहीं, वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इस बात को समझाने के लिए टोडर मल्ली साहब ने सुमेरु पर्वत का उदाहरण दिया है। क्या क्या उदाहरण दिया है? कि सुमेरु पर्वत कब से है? अनादि से है। कितना है? बोलो 1,00,000 योजन का, 1,00,000 योजन है, नीचे से 1,000 योजन छोड़ा है, अनादि से। तो वो पर्वत किससे बना हुआ है? कि वो पुद्गल की वर्गणाओं से बना हुआ है, पुद्गल के स्कंद के बने हुए। तो क्या अनादि से वही वो के वही स्कंद है क्या? बोले नहीं, ये पुराने जा रहे हैं नए आ रहे हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत अनादि से। तो फिर आप अनादि से क्यों कह रहे हो? तो पर्वत ही पूरा चेंज हो गया, नए आ रहे हैं पूरे जा रहे हैं। नहीं, अनादि से उसकी उस अवस्था को कहते हैं अनादि से। ये बात टोडर मल्ली साहब ने इस पैराग्राफ में सिद्ध करी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गई बात है? मैं और कर्म का बंधन दोनों अनादि से कहने में अंतर समझना। यहां तो जीव तो वो का वही है और कर्म तो चेंज होते रहे हैं, लेकिन अनादि से कहने का मतलब है जीव का कर्म के साथ बंधन है वो अनादि से, ये कहना है। आई बात समझ में? इससे एक बात और निकल के आती है कि कर्म आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसका मतलब है कर्म जीव से अलग तो हो ही रहे हैं,
और विशेष पुरुषार्थ के द्वारा आप अलग कर भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम अनादि अनादि बोल के अब तो हमारा कर्म से बंधन नहीं छूट सकता, ऐसा नहीं पकड़ना। आई बात समझ में? सरल है बात, पकड़ में आ गई सबको? किसी को डाउट तो नहीं? चले आगे, आप में से कौन पढ़ेगा पैराग्राफ ये पहले वाला, ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछना। पहला पैराग्राफ कर्म बंध का निदान, ठीक है, पेज नंबर 22 है, पहला पैराग्राफ पढ़ना है आपको। बिल्कुल ग्रंथ सब हाथ में रखना और यहाँ के जाने के बाद घर पे भी सब ले जाना। बाबूजी ने बोल दी स्वीकृति और मंगा देंगे, है ना? नहीं बाबूजी, एक और एक सेट और मंगा देंगे घर पे ले जाने के लिए। यहाँ से जिनको ले जाना हो ले जाए, लेकिन अभ्यास जरूर करना शांति से निवृत्त होकर और अपने आत्म कल्याण की भावना से, अत्यंत चित्त की सरलता से। ऐसा तो आपको कुछ बात समझ में आएगी क्या कहना चाह रहे हैं। चलो कौन पढ़ेगा 22 नंबर का पेज पहला पैराग्राफ? समझ में आ गया सबको? कहीं इसमें डाउट तो नहीं है? देखो कितनी सुंदर बात लिखी टोडर मुझे साहब ने, एक जीव द्रव्य। कौन एक जीव द्रव्य? एक में जीव द्रव्य, ठीक है, और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणुओं का अनादि से बंध है। अनादि से बंध कैसे कहते हो आप इसको? अनादि से, जैसे मैं अनादि से हूं वैसे ही कर्म का बंध अनादि से है? नहीं, वैसे नहीं है। तो अनादि से है तो कैसे है? तो कहते हैं कि उसमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं और कितने ही मिलते हैं, लेकिन बंधन अनादि से है, बंधा हुआ अनादि से हूं। एक समय को मैं कर्म से मुक्त नहीं हुआ। बात पकड़ में आ गई आपको? कौन पढ़ेगा ये नीचे की दो पंक्ति, तीन पंक्तियां, है ना? कर्म का बंध अनादि से कहने का मतलब क्या है? अजीत भैया बात पकड़ में आ गई आपको? है ना, अनादि से कहने का मतलब क्या है? कि मैं तो वही हूं, मैं तो वही हूं, टंकी तो वही है पानी की, लेकिन 20 साल से ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे से निकलता ले रहा है, लेवल वो चेंज हो रहा है, ठीक है, कि लेवल वही बना हुआ है, इसलिए अपन कहते हैं कि 20 बरस से टंकी एसी की एसी भरी हुई है, ठीक है। लेकिन यदि गहराई से विचार करें तो इसमें नए परमाणु मिल रहे हैं और कुछ बिछुड़ रहे हैं। ये एक्टिविटी संसार परिभ्रमण में जीव के कर्म बंधन में ये हो रहा है, ये चेंजेस हो रहा है, लेकिन जीव वो का वही है, जीव में कोई चेंज नहीं हो। ऐसा मत समझ लेना कि ये जीव चेंज हो जाएगा और ये कर्म का लोड किसी का पूरा दूसरे जीव को लग जाएगा, है ना? चेंजेस इधर है, कल अपन ने बात कही थी ना, चेंजेस किधर है? कर्म में, ये तो जीव है और इधर कर्म है, ठीक है, तो ये तो इन दोनों का बंधन है, लेकिन यहां चेंजेस हो रहा है, नया आ रहा है पुराना जा रहा है, नया आ रहा है पुराना जा रहा है, लेकिन ये दोनों की जो कॉमन अवस्था है बंध रूप अवस्था, ये अनादि से है, ये कहना चाह रहे। आई बात समझ में? ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि इन संसार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जीव पहले न्यारा था और कर्म न्यारा, ऐसा नहीं। ये इन दोनों के जॉइंट अवस्था तो अनादि की है, लेकिन कर्म इसके साथ वही अनादि से चल रहा है, ऐसा नहीं। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ गई आपको? इससे क्या बात निकल में आ रही है? इससे बात निकल के आ रही है कि कर्म है ना, ये यहां से जाता है, छूटता है, छूट सकता है। क्या क्या? अब क्योंकि अभी यहां टोटल मलि साहब ने एक बात कही, क्या बात कही? कि ये जीव कर्म बंधन से दुखी है, ठीक है, कर्म बंधन से मतलब जीव का कर्म के साथ बंधन है, उससे दुखी है। लेकिन अगर बारीकी से देखें तो कर्म तो
रेख है उदय काल में फल देकर छूटता है। अब आपको ऐसी कलाकारी सीख लो, क्या कलाकारी सीख लो कि इसका उदय काल के अलावा इसको छाट दो, या एक तरीका यह है कि ये जा रहा है और यहां से आना बंद कर दो। इस टंकी को खाली करना है तो क्या करना है बाबा, इस टंकी को खाली करना है तो क्या करना है भाई? अभी अपन ने बोल दिया ना बंध से मुक्त की अवस्था का नाम, मतलब बंधन से छूटने का नाम इसकी मेरा कर्तव्य है। तो क्या कर्तव्य है अपना, है कर्तव्य अपने को क्या करना है कि ये जो ऊपर का पानी आ रहा है इसको बंद कर दो, बस इतना सा तो काम करना है। तो ये साहब होता है कि नहीं, बंद होता है कि नहीं होता है, वो उसका आया टोटन वाली साहब आधार देंगे कि होता है। और हमारे पास महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने ये काम करके दिखाया है, वो जब वो प्रकरण आएगा जब उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो आपको ये अनादि कर्म बंध मुझको है इसका मतलब तो समझ गया ना, किसको अनादि से कहना कि जीव के साथ अनंत कर्म का बंध अनादि से है, लेकिन उस कर्म में नए जुड़ते हैं और पुराने बिछुड़ते हैं, ये काम चल रहा है, लेकिन बंध जो है वो अनादि से है, इसलिए इसको कहते हैं जीव को कर्म का बंध अनादि से। एक समय को संसार में ऐसा नहीं हुआ कि जीव ने कर्म से बिल्कुल मुक्त हो गया और फिर कर्म आके चिपक गए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, चले आगे, कोई डाउट तो नहीं है अब किसी को? है बाबूजी, सत्ता तो दोनों की अनादि से है, हो कर्म की सत्ता अनादि की नहीं कह रहा हूं मैं, पुद्गल द्रव्य तो अनादि से है और स्वयं सिद्ध है। आई बात समझ में? जीव द्रव्य अनादि से और स्वयं सिद्ध है, पुद्गल द्रव्य की विशेष अवस्था जिसको कर्म कहते हैं और उसकी अवस्था का होना, वो ढेला बनना और बिछुड़ना, वो पुद्गल में होता रहता है स्कंदों में। ठीक है, और उसका जीव द्रव्य के साथ एक क्षेत्र ठहरना और उसका वापस बिखरना, वो एक्टिविटी तो चेंज होती रहती है। हाँ, वो एक्टिविटी चेंज होती रहती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो अनादि से वही वैसा का वैसा ढेला है, ऐसा नहीं। लेकिन पुद्गल द्रव्य अनादि का है, वो चेंजेस होता रहता है, वो क्यों चेंजेस होता है और उसके उदय काल में क्या फर्क आता है वो सब आगे बताएंगे टोटल मिल जिसका। ठीक है, चलें आगे, बात समझ में आ गई आपको? अब दूसरा कि कर्मों की अनादि पने की सिद्धि। अब टोटल मल्ली साहब ने फिर ये बात कहने के बाद भी उनको डाउट रह गई कि साहब फिर कर्म अनादि से है कैसे कह रहे हो आप? ऊपर तो कह रहे हो आप कि नए मिलते हैं पुराने भी छोड़ते हैं, फिर कह रहे हो कि ये अनादि से है, ये क्या चक्कर? ठीक है, चलो अब कौन पढ़ेगा आप में से पैराग्राफ? यहाँ प्रश्न है कि उद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, अनादि कर्म रूप कैसे हैं? समाधान, निमित्त तो तभी कार्य हो उससे ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन उद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रूक्ष गुणों के अंशों ही से होता है, और मेरु के लिए आदि स्कंदों में अनादि उद्गल परमाणुओं का बंधन है, वहाँ निमित्त का क्या प्रयोजन है? उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म होना तो रागादिक से ही होता है, और अनादि उद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है, वहाँ निमित्त का क्या प्रयोजन है? तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं, इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना तो तत्व पद्धति का प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य ज्ञेय अधिकार है वहाँ कहा है? रागादि का कारण तो द्रव्य कर्म है, और द्रव्य कर्म का कारण रागादि है, तब वहाँ तर्क किया है कि ऐसे तो इतने तराश में दोष लगता है, वह उसके आश्रित है, वह उसके आश्रित कहीं रुकाव नहीं है, तब उत्तर ऐसा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा पैराग्राफ जरूर कठिन है ना, अपन धीरे 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 इसके भाव को समझेंगे। पुरुष वर्ग में कौन ये पैराग्राफ पढ़ेगा यही बात, और आप क्या समझ रहे हो थोड़ा आप अपने लेवल पे बैकग्राउंड तैयार करना, फिर अपन इसकी पंक्तियों पर विचार करेंगे। ठीक है, कौन पढ़ेगा आप में से पुरुष वर्ग में बिल्कुल शांति से और तेज आवाज में और समझते हुए कि क्या कहना चाह रहे हैं टोटल मल्ली साहब, कि आप कर्म को अनादि से क्यों कह रहे हो? ठीक है, जबकि कर्म का बंध तो जीव के रागादिक भावों के निमित्त से होता है। ठीक है, उन्होंने पहला प्रश्न यहां से खड़ा करा है। ठीक, बहुत शांति से आप में से पढ़ो, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, रूप रूप के अंशों से ही होता है, मेरु के लिए आदि स्कंदों में
ठीक है, उत्तर अपन अभी पढ़ेंगे प्रवचन सार जी का बाद में। पहले यहाँ जो टोडरमली साहब ने जो प्रश्न किया है, सबसे पहले तो एक बात समझना, क्योंकि आप लोगों के सबके ये पिक्चर में ये बात सबके चित्त में बैठी हुई है कि जीव के रागादिक परिणामों का निमित्त पाकर नवीन कर्म का बंध होता है। ये तो सबके गले में बैठी हुई है ना बात। इस जीव को नवीन कर्म का बंध कैसे होता है कि जीव के रागादिक भावों का निमित्त पाकर नवीन कर्म का बंध होता है। इसका मतलब है कि कर्म का बंध जो नवीन होता है उसमें जीव के रागादिक भाव निमित्त है। ओके, ये तो सबके बात गले में उठी। जब जीव के रागादिक भाव निमित्त है और कर्म बंधते हैं नए, तो फिर आप कर्म को अनादि क्यों कहते हो? क्योंकि टोडरमली साहब ऊपर पैराग्राफ कह के आए ना कि जीव जब से है तब से ही कर्म का बंध है। जीव कब से है? अनादि से। तो अभी तो बोले कर्म का बंध तो अनादि से है। अब तब शिष्य ने यहां प्रश्न खड़ा करा। क्या प्रश्न खड़ा करा कि महाराज नवीन कर्म का बंध तो जीव के परिणामों के निमित्त से होता है। बोले ठीक है, तो जब जीव के परिणामों से नवीन कर्म का निमित्त बंध होता है तो आप इस कर्म को अनादि का क्यों कहते हो? ना ना, वो एंगल नहीं, वो एंगल नहीं। हाँ, और कौन क्या समझा? अरे इस पंक्ति में क्या समझे आप? वापस में चित्र बनाऊंगा टंकी का। भाषा थोड़ी सी ऐसी है, कठिन है। आप कह रहे हो कि पानी 20 वर्ष से भरा हुआ है, 20 वर्ष से पानी इसका भरा हुआ है। अब कोई बोले कि साहब पानी तो अभी आगे गिर रहा है, तो आप इसका 20 वर्ष का क्यों कहते हो? अभी बात समझ में आई कि क्या? यहां देखो पंक्ति पढ़ो आप। पुद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, ठीक है। पुद्गल परमाणु तो रागादिक का निमित्त, मतलब जीव के रागादिक भावों का निमित्त पाकर जो कारमाण वर्गना, जो उसके पुद्गल अपने जीव के प्रदेश के चारों तरफ ठसाठस भरी हुई है, वो जीव के निमित्त को पाकर, रागादिक भावों के निमित्त को पाकर वो कर्म रूप परिणमित हो जाती है ना, और उसके साथ बंध जाती है, ठीक है। तो जीव के भाव से कर्म बंधा, तो आप क्यों कहते हो कि ये कर्म का बंध इसको जीव को अनादिश है? कहो ना कि अभी इसको दो समय पहले जो भाव हुए इससे कर्म बंधा, फिर चार समय पहले जो भाव हुए, दो घंटे पहले भाव हुए इससे कर्म बंधा हुआ। आप सीधा क्यों कहते हो कि जीव को बंध अनादिश है? सीधा कहो ना कि दो घंटे हुआ, चार घंटे का बंध हुआ, ऐसा कहो ना। आई बात समझ में? आपको बात पकड़ में आई कि कर्म बंध किससे होता है? कर्म का बंध किससे होता है? रागादिक भाव से होता है, ठीक है, जीव के रागादिक भाव से। तो आप पूरे कर्म के बंध को अनादि का नाम क्यों देते हो? हाँ, यहां ये कहना है, मतलब यहां टोडरमली साहब का ये सिद्ध करना है कि जीव एक समय को भी कर्म के बंध से छूटा नहीं है। नवीन बंद हो रहा है और पुराना जो सभी पाक, आपकी जो सभी पाक निर्जरा हो रही है, ऐसी एक्टिविटी तो चल रही है, लेकिन चूंकि अभी एक समय की अवस्था में बात करें, अभी जैसे अभी, तो हमारे पास जो कर्म सत्ता में पड़े हुए, हो सकता है कि अधिक से अधिक चित्तर कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला कर्म और उसके पहले वाला कोई कर्म अपने पास नहीं हो, तो भी यह जीव चित्तर कोड़ा कोड़ी सागर के पहले भी कर्म से मुक्त नहीं था, कर्म से ही बंधा हुआ था। ये कर्म नहीं होने पर भी कर्म से बंधा क्यों? इस बात को, क्योंकि अनादि में ये सिद्धि नहीं लगा सकते हम, वो बात कह रहे हैं कि इसको कर्म का बंध अनादि से, ये बात सिद्ध करने हैं आप, ठीक है। नहीं, बात समझ में आ रही है आपको? क्या बात समझ में नहीं आ रही?
समय हो गया, अपन कल फिर इसकी चर्चा करेंगे, है ना। इस पैराग्राफ को आप थोड़ा सा घर पे पढ़ना, विचार करना, इसके अंदर बहुत सारे बिंदु हैं, अपन इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर जो प्रवचन सार का आधार है, इतरे यात्रा से दोष क्या होता है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का क्या संबंध है, वो अपन उसकी भी चर्चा करेंगे।